नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ओनली आईएएस के ही लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ ले तो इससे पहले हमने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लेक्चर से शुरुआत की थी और उसमें जो इम्पोर्टेंट लॉज है लाइक विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इको सेंसिटिव जोन्स, इन सब के बारे में चर्चा किया था और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजन इनके भी डिस्कस किए थे। और ये जरूरी भी था क्योंकि कहीं कहीं पर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें, उसके बाद आप हमारे इस लेक्चर पर आए। वो इसलिए क्योंकि इट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर हम कोई नया चैप्टर शुरुआत नहीं कर रहे हैं, जो पिछला चैप्टर है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको अगर अच्छे से समझना है तो चीज़ें लिंकअप होती है। तो अगर आपने पहले नहीं देखा है, पिछला लेक्चर नहीं देखा है, बायोडाइवर्सिटी के बेसिक्स नहीं समझे हैं, भाई कंजर्वेशन क्या होता है, क्या कुछ एफर्ट्स चल रहे होते हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो फिर आधा अधूरा काम होगा। तो आधा अधूरा काम क्यों करना, पूरा काम करेंगे, अस्थिरता से ही सही लेकिन सही काम करेंगे। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू गो बैक एंड वॉच द लेक्चर, देन कम अगेन to watch this lecture. So in today's lecture, the topic is going to be the causes of the biodiversity loss and the threats to biodiversity. So basic क्या है biodiversity का, ये आप हमें जरूर बताएं। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में सोचें कि biodiversity क्या है। तो आप जितने भी flora species देखते हैं, fauna species देखते हैं, भाई tiger हो गया, lion हो गया, उसके बाद फ्लावर्स में देखेंगे, ट्रीज में देखेंगे, ओशंस में जाकर देखेंगे तो वहां पर भी डाइवर्सिटी ऑफ मैराइन स्पीसीज हैं, कोरल्स हैं। तो क्या ये रिफ्लेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि बायोडाइवर्सिटी बढ़िया होगी या फिर मोनो डाइवर्सिटी? वैसे तो मोनो में कोई डाइवर्सिटी नहीं रहती है, मोनो मतलब सिंगल हो गया। तो आपका जवाब होगा बायोडाइवर्सिटी। क्यों भाई? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्या है कि जो इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, अगर कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आ गया, कोई डिजीज आउटब्रेक हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, तो ऐसे में ये बायोडाइवर्सिटी ही है जो नेचर को कंटिन्यू रखती है। जैसे इतिहास में ना जाने कितने डिजास्टर्स आए होंगे, नेचुरल डिजास्टर्स, एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के कारण हम आज सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत सारे वेरियस स्पीशीज सर्वाइव कर रही है, हमारी फूड सिक्योरिटी भी बायोडाइवर्सिटी पर ही आधारित है। एक बेस्ट एग्जांपल होगा कि जैसे क्रॉप है ना, अगर पूरी दुनिया में एक ही क्रॉप उगाया जाए, सिर्फ वीट उगाया जाए, तो कल को भाई वीट में कोई डिजीज लग गई, कोई पेस्ट अटैक हो गया, तो वीट तो मिलेगी नहीं, वो तो नष्ट हो जाएगा, कोई दूसरा खाने के लिए क्रॉप होगा नहीं, नष्ट हो गया, तो फिर फूड सिक्योरिटी पर डायरेक्ट चैलेंज आ जाएगा। इसलिए बायोडाइवर्सिटी का रोल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इतने ज्यादा प्रयास चलते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस एक्सेट्रा। तो ये थोड़ा सा मैंने बेसिक बैकग्राउंड देके आपको एनर्जाइज किया है कि हाँ चीजें आपको समझ में आए, इंपॉर्टेंस समझ में आए। अब चलते हैं कि काउजेज क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। तो एक तो आपका नेचुरल काउजेज और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक काउजेज। जब भी ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर या डिजास्टर पर, बेसिकली नेचुरल नहीं, डिजास्टर पर कोई क्वेश्चन आता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस पर कोई क्वेश्चन आता है, क्लाइमेट चेंज पर कोई क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आप सिर्फ ह्यूमन फैक्टर्स नहीं लिखेंगे, उसके साथ साथ नेचुरल फैक्टर्स का भी मेंशन करना जरूरी है। तो इसलिए इस पॉइंट को आप ग्रेस्प करें, नेचुरल फैक्टर्स में तोड़ेंगे फिर एंथ्रोपोजेनिक काउजेस पर आएंगे। एंथ्रोपोजेनिक इज द बेस्ट टर्म फॉर द ह्यूमन रिलेटेड काउजेस। तो ह्यूमन रिलेटेड ना लिखे आप, एंथ्रोपोजेनिक लिखेंगे, इट इज बेटर। तो नेचुरल काउजेस में है आपका जियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस। भाई पास्ट में देखेंगे कि सॉइल इरोजन हुआ है, वोल्केनिक एरप्शन हुआ है, ओके, उसके साथ साथ टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुए हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए हैं, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिस्टर्बेंसेस
जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल चेंजेज हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्लेस्टोसीन आइस एज आपने सुना होगा। तो प्लेस्टोसीन आइस एज जब आया तो बहुत सारे कोरल्स एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि भाई कोरल्स को एक डेडिकेटेड टेम्परेचर की जरूरत होती है ओशन वाटर में एग्जिस्ट करने के लिए। लेकिन बिकॉज ऑफ द प्लेस्टोसीन आइस एज जो एरिया है, जो लैंड मास है, ठीक है, वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो गए थे, आइस कवर आ गया था, इंक्लूडिंग एलोंग द पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ जहां पर कोरल्स एग्जिस्ट करती है। तो फिर हुआ ये कि जो नेचुरल हैबिटेट थी कोरल्स की वो नष्ट हो गई, लेकिन जब प्लेस्टोसीन आइस एज गया तो फिर कोरल्स ने रिकवरी भी की। तो आज जो कोरल्स देखते हैं वो वही हैं जो प्लेस्टोसीन आइस एज के डिजास्टर से बच गए थे, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट और एग्जाम्पल देते हैं जहां पर आपका वॉल्केनिक इवेंट्स घटता है, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं, है ना। ये जो पैसिफिक ओशियन है उसके जो किनारे है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि टेक्टोनिकली एक्टिव है। तो वहां पर स्पीसीज के जो कंसंट्रेशन स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वहां नहीं मिलते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली टॉलरेटेड स्पीसीज मिलेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, और एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे कोल्ड हैबिटेट स्पीसीज। लेट्स से अभी आपका जो हिमालयन रीजन, यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा कूल डाउन होता है, इसलिए ग्लेशियर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत सारे कोल्ड स्पीसीज दिखेंगे। स्नो लेपर्ड मिलेगा, हिमालयन क्वेल मिलेगा, रेड पैंडाज मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिक कंडीशन। लेकिन कल को ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ये स्पीसीज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है नेचुरल डिजास्टर्स। भाई बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते हैं, लाइक हरिकेन्स, फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, दे कैन डिवास्टेट द हैबिटेट्स एंड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। एग्जाम्पल आप जरूर कोट करेंगे, लाइक 2018 कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स दैट डिस्ट्रॉय लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट। और भी है, जैसे 2019-20 में ऑस्ट्रेलियन बुश फायर हुआ था, और उस बुश फायर में जो कंगारू स्पीसीज है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे कंगारूज की डेथ हुई थी। और कंगारूज के बारे में बता दें तो ऑस्ट्रेलिया में ये मिलते हैं और ये नेचुरली मिलते हैं, इंडिया में तो नहीं मिलते हैं नेचुरली। और क्या खास बात है कंगारू की, 4-5 पॉइंट्स आप जरूर याद करें, क्योंकि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में इसे पूछा गया है, तो अच्छे से फोकस करेंगे इस पर। उसके बाद देखिए, लाइक आज के समय में बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग मेराइन हीट वेव्स भी देखने को मिलती है। तो मेराइन हीट वेव से क्या होगा, जो मेराइन स्पीसीज है जो हीट टॉलरेट नहीं कर सकती, लाइक सेंसिटिव फिशेस, वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, वो हो भी रही है। और आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स जो रिलीज होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ से आप डाटा फैक्ट्स कोट कर सकते हैं जो आपके आंसर राइटिंग को और इनरिच करेगा। तो यहाँ पर हम ये नहीं कि भाई कहानी सुन रहे हैं, यहाँ पर कैसे कोई पॉइंट्स को रिपोर्ट से निकाल कर निचोर कर आंसर में लिखना है, ये मायने रखता है। तो ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा है क्लाइमेट चेंज एंड वेरिएबिलिटी। इसका बढ़िया एग्जांपल है ईएल नीनो इवेंट्स। पहले क्या होता था भाई, 10 साल में 12 साल में एक बार ईएल नीनो इवेंट्स होती। ईएल नीनो इवेंट्स क्या है, ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, उम्मीद करते हैं आप समझते होंगे। बस थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ कि ईएल नीनो में होता है कि जो आपका साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और दूसरी तरफ है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये साउथ अफ्रीका नहीं बोल रहे, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पेरू चिली रीजन होता है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये होती है कि ये जो आपका पेरू चिली कोस्ट होता है ना, ये कोल्ड रीजन होता है, और ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पोर्शन है, ईस्टर्न वाला पोर्शन, ठीक है, ये आपका वार्म होता है और यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। लेकिन ईएल नीनो के कंडीशन में क्या होता है, ये कंडीशन उल्टी हो जाती है, यानी कि पेरू चिली कोस्ट वार्म अप हो जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन
डोमिनेट करने लगती हैं, जिसके कारण वेरी वेरी हाई रेनफॉल होता है। तो यहाँ पर जो स्पीसीज जो कोल्ड वेदर कंडीशंस को फैसिलिटेट करती थी, अपने नेचुरल वेदर कंडीशन में रहती थी बिकॉज ऑफ द इनवर्स ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, हुआ ये कि जो स्पीसीज है, जो फिश स्पीसीज है, वो फिर अपने आप को थ्रेट में पाती है क्योंकि वो एडेप्टेबल उतनी नहीं होती। ठीक है, ये एग्जांपल आप दे सकते हैं ई एल नीनो, और ई एल नीनो का इम्पैक्ट तो इंडिया पर भी देखने को मिलता है ना। अगर ई एल नीनो इवेंट हुआ तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडिया में प्रभावित हो जाती है। तो बहुत हद तक हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स का क्या स्टेटस है उस पर भी निर्भर करता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया गया है 1997-1998 का ई एल नीनो दैट कॉज ड्राउट इन ऑस्ट्रेलिया एंड अफेक्टिंग द कोआलास। ओके, उसके बाद हाँ हिमालयन ग्लेशियर का भी एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि भाई जो इसमें दिया गया वही, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं तो वहाँ से भी लिंक कर सकते हैं भाई, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग। तो जो हिमालयन रीजन है एक समय के बाद वहाँ पर तो ग्लेशियर नहीं रहेंगे, ग्लेशियर नहीं रहा तो वहाँ पर जो कोल्ड स्पीसीज रहती हैं वो भी नहीं रह पाएंगे, तो दैट इज ऑल्सो ए फैक्टर टुवर्ड्स द डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद डिजीज आउटब्रेक की बात करते हैं कि भाई अचानक से कोई डिजीज आउटब्रेक हो गया दैट कैन लीड टू लॉस ऑफ अ स्पीसीज, और पास्ट में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जैसे चाइट्रिड फंगस हैज डेसिमेटेड एम्फीबियन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। ओके, तो ऐसे ऐसे आप एग्जांपल के साथ देखेंगे तो आपका आंसर और ज्यादा निखार कर आएगा। तो ये फैक्टर्स हमने डिस्कस किया, अब चलते हैं एंथ्रोपोजेनिक काउसेज, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर। तो भाई सबसे बड़ा चेंज है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्यों भाई, इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किए जा रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो नेचुरल हैबिटेट थी वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ की, फौना की, फॉरेस्ट की, वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। अब श्रिंक होगा तो होगा क्या, एनिमल वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट होगा, एनिमल्स मारे जाएंगे, वो होता भी है। एक एग्जांपल आप देखिए जो रिसेंट एनिमल वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट जो यूपी में देखने को मिला, जहाँ पर फॉक्सेस ने तबाही मचा दी थी। क्यों, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट श्रिंक हो गया होगा, उनको खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहे होंगे, तो ह्यूमन हैबिटेशन आना शुरू कर दिया। सिमिलर कंडीशन कर्नाटका में भी होता है जहाँ पर लेपर्ड देखने को मिलते हैं, घरों में लेपर्ड घुस जाते हैं, है ना। और एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट इज बीइंग क्लियर्ड फॉर द एग्रीकल्चर, जिसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में इन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं टू द एनवायरनमेंट, टू द एटमॉस्फेयर, बट वंस इट विल बी क्लियर्ड अप फॉर द ह्यूमन पर्पज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द क्लाइमेट, एटमोसफेयर एंड अल्टीमेटली द बायोडाइवर्सिटी, जिसमें ह्यूमंस भी तो शामिल होंगे। पॉल्यूटेड एयर बाद में हम कंज्यूम करेंगे, पता चला 100 रुपये में एक बोतल हम ऑक्सीजन खरीद रहे हैं जैसे आज हम पानी खरीद रहे हैं। एक आध अच्छा खासा एड भी आया था इसके ऊपर, मतलब अवेयरनेस फैलाने वाली एडवर्टीजमेंट चली थी, जहां पर इंटरनेट तो चलो 10G के दुनिया में चला गया है, लेकिन जब बात आ रही है कि ऑक्सीजन की तो उसको खरीदा जा रहा है ना। उसके बाद देखिए एक पॉल्यूशन भी एक फैक्टर है, और पॉल्यूशन के कारण जो मेराइन स्पीसीज है वहाँ पर पॉल्यूटेंट्स चले जाते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं, या फिर जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो आजकल हवा में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, इट आल्सो इम्पैक्ट्स द स्पीसीज। ओके, एक एग्जांपल भी है 2010 का डीप वाटर होरिजन ऑयल स्पील। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके एग्जाम्पल लिखेंगे, जो भी आपको एग्जाम्पल लगता है रिसेंट में न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे वो सब कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे कहीं कहीं पर ऑयल स्पिल हो जाता है, मेक्सिको जो गल्फ ऑफ मेक्सिको वाला रीजन है वहाँ पर भी ऑयल स्पिल हुआ था, जिसे कह रहे हैं वहाँ की जो लोकल स्पीसीज हैं उनके एग्जिस्टेंस पर भी खतरा आया था। रिसेंट एग्जाम्पल लिखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर देखिए इन्वेसिव एलियन स्पीसीज क्या होता है भाई, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज
नाम से पता चल रहा है ये एलियन स्पीसीज है, यानी कि कोई एरिया है या हैबिटेट है वहां पर ओरिजिनली ये नहीं पाए जाते, लेकिन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन फैक्टर और द नेचुरल फैक्टर ये इंट्रोड्यूस हो गए वहां पर। तो जनरली होता ये है कि जो IAS होते हैं, इनवेसिव एलियन स्पीसीज, यहाँ पर बोल रहे हैं हम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं, ठीक है, तो जो IAS है वो जनरली ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं ग्रो करने का, दूसरे के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का। तो ऐसे में जो नेटिव स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ जाते हैं। और अभी आप देखते होंगे कि इंडिया में भी जो लैंटाना कैमरा है जो हर जगह पर आपको मिल ही जाएगी, एक बार सर्च करिएगा और देखिएगा फोटोज का, तो जो लैंटाना कैमरा है इट हैज डोमिनेटेड द रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखिए हंटिंग एंड पोचिंग, अगर हिस्टोरिकल फैक्टर देखें तो हंटिंग काफी ज्यादा की जाती थी, इसके कारण ही तो जो चीता है हमारा वो एक्सटिंक्ट हो गया। और दूसरी बात है पोचिंग, पोचिंग का मतलब ये होता है कि भाई किसी स्पीसीज का हम शिकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे जो इम्पॉर्टेंट क्रुशियल मटीरियल से वो निकाला जा सके, जैसे हाथी का जो सुर होता है तो उसके मेडिसिनल बेनिफिट होते हैं, या फिर शोकेज के लिए टांगा जाता है, तो इलीगली इनकी ट्रेड की जाती है। इसलिए जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं पोचर्स, उन पर कार्रवाई करने के लिए हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है जो पनिशमेंट की बात करता है। इसलिए तो मैंने आपको बताया कि आखिरकार कानून की क्या जरूरत होती है, नहीं तो ये सब जो है कल्याण ही करते पूरे बायोडाइवर्सिटी का अपने प्राइवेट या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, ओके। उसके बाद इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये मिलता जुलता है, पोचिंग का मकसद ही होता है कि भाई बेच दो उनके मटेरियल्स को, चाहे किसी कंपनी को बेचता हो या फिर कोई रिच पर्सन को बेचता हो। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो घर हैं, जो पहले के घर, ठीक है, तो उसमें आपको कभी हिरन के मुंडी देखेंगे, या फिर जो हाथी के जो सुर है टस्क वो आपको दिख जाएंगे ओरिजिनल में, फिल्म में भी दिखाया जाता है, तो आप ऐसे चीजें लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल और दिया जाता है जो पैंगोलिन है, पैंगोलिन एक स्पीसीज है और इस पर UPSC ने भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो डिमांड है काफी ज्यादा है, तो इसीलिए इसकी इलीगल हंटिंग ट्रैफिकिंग की जाती है। तो वही बात है ना, जिसकी डिमांड ज्यादा है उसके लिए लोग पैसे देने के लिए भी तैयार है और इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए भी तैयार है। ये बातें हैं। उसके बाद देखिए द फाइव थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, जिसमें लैंड एंड सी यूज चेंजेस, और यहाँ पर देखिए लैंड यूज चेंज, आप कीवर्ड जरूर याद रखेंगे, इसमें सबसे बड़ा चेंज जो आया है एग्रीकल्चर फील्ड का एक्सपेंशन है। आप देखिए एग्रीकल्चर लैंड यूज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद पॉल्यूशन है, उसके बाद स्पीसीज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, फिशेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो अपने आप को रिकवर नहीं करते हैं तो फिर धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, उसके बाद इनवेसिव स्पीसीज एंड डिजीज, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड टू यू। तो इतना हो गया, अब बात करते हैं कि लेट से नुकसान हो ही गया बायोडाइवर्सिटी, तो क्या हो जाएगा, क्या तबाही आ जाएगी, ये भी तो समझना जरूरी है। तो सबसे पहली तबाही तो ह्यूमंस पर ही आएगी, फूड सिक्योरिटी के नाम पर, क्योंकि भाई हो सकता है पॉलेंस पॉलिन ग्रे जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो नेचुरल पॉलिनेटर्स होते हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं या जो तितलियां होती हैं, ये सब नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं, तो ये क्रॉप्स को पॉलिनेट करती है, तभी क्रॉप जो है अपना फसल देता है, ठीक है। तो अगर ये पॉलिनेटर्स की पॉपुलेशन कम होने लगी तो फिर क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी, एंड दैट कैन काउज एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस। फिर हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को अपनाने का कोशिश करेंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाएंगे, तो भाई कॉस्ट बढ़ेगा ना, कॉस्ट बढ़ेगा तो खाना खर्चा का दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ा तो फिर गरीबों का जो हालत है और खराब होगा, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन इनकम, इनइक्वालिटी इन सोशल स्टेटस। तो लिंकेजेज, ऐसा नहीं कि सब कुछ टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकता है, समय रहते हुए अगर हम कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, तो भाई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है ना, एक बात ये हो गई। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक लॉसेस, लाइक अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ तो टूरिज्म जो फ्लरिश होता है, नेचुरल टूरिज्म,
लोग हिमालयस पर जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ग्रीनरी है, फॉरेस्ट्री है, नेचुरल चीज़ों को तरफ आकर्षित होते हैं तो जाते हैं, तो इनकम भी आती है, जॉब्स भी होता है। लेकिन कल कोई बायोडाइवर्सिटी रहे नहीं तो फिर क्यों जाएंगे? उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं वो नेचर के रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है, वो भी दिक्कत हो जाएगी। फिर देखिए डिसरप्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंसेस, उसके बाद इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू द क्लाइमेट चेंज, लाइक द इकोसिस्टम, द एनवायरमेंट विल बी लेस कैपेसिटेबल टू डील विद द क्लाइमेट चेंज। उसके बाद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, बीमारियां फैल सकती है। ओके एंड कैसे फैलेंगी? मान के चलिए कि भाई एक बड़ा सा फॉरेस्ट एरिया था, अमेजन रेन फॉरेस्ट। भाई अमेजन रेन फॉरेस्ट में क्या है कि वे गाछ वृक्ष से बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब भी रहते होंगे। तो कल को पूरा जो है वो साफ कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, तो लेट से कि कुछ मच्छर के स्पीसीज अब वहाँ से उड़ के नेटिव कंट्रीज में आ जाएंगे, फिर तो बीमारियाँ प्रोड्यूस करेंगे, फिर क्रॉप को भी हो सकता है डैमेज कर दे। तो इट कैन लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। और जो COVID-19 था ना कहीं यही बात निकल कर आ रही थी कि ये जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन सब कर रहे हैं और जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके कारण जो नेचुरल हैबिटेट वाले स्पीसीज हैं वो ह्यूमन हैबिटेट में इंटर कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक गिविंग रिस्क टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। और वो हो ही सकता है, आने वाले समय में हो ही जाएगा, बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्टर दैट वी हैव मेंशन, लाइक अर्बनाइजेशन सबसे बड़ा चीज है, हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ओके उसके बाद है लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है जैसे एक स्पीसीज है तो उसके जीन्स में अंतर हो जाते हैं, लाइक आप हैं, ठीक है, आपके भाई होंगे, आपकी बहन होंगी, तो कहीं ना कहीं माइनर चेंजेस जीन्स में होती है, जिस कारण आपके अंदर वो डाइवर्सिटी है। आपका चेहरा अलग है, आंख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, इज ऑल बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इट कैन लीड टू लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन स्पीसीज, एंड दे कैन बी प्रोन टू मोर डिजीज। ये हो गया। अब दो चीजें हमने देख लिया, कॉन्सिक्वेंसेस देख लिया, काउजेस देख लिया। तब जरूरत होती है कि भाई गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। और दूसरा एक फैक्टर ये भी होगा कि आप कुछ सजेशन दे सकते हैं तो दीजिए, यहाँ पर आपका सजेशन ऑलवेज वेलकम। कि भाई हमने दे तो दिया कि गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन आप क्या कुछ आइडिया दे सकते हैं, यूनिक आइडिया दे सकते हैं, जो आपने पढ़ा हो न्यूज पेपर में, तो वो भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में देखिए, एक तो लीगल एंड पॉलिसी फॉर्मवर्क, बहुत सारे एक्ट हैं, रेगुलेशंस है, दैट टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन, दैट टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट, लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, ये तो नेशनल लेवल पर हो गया। प्रोटेक्टेड एरिया जो हम डिक्लेयर करते हैं भाई साहब, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, यूनेस्को के तरफ से हम लोग डिस्कस करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, तो वो सब भी क्या है, दैट एंश्योर्स द प्रोटेक्शन टू द स्पीसीज, प्रोटेक्शन टू द बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इंडिया में चलाए जाते हैं, लाइक प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर है, ओके डॉल्फिन के लिए भी कंजर्वेशन प्रोग्राम चलता है, क्रोकोडाइल के लिए भी कंजर्वेशन प्रोग्राम है। हालांकि अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है और प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसको मर्ज कर दिया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट बना दिया गया है। नहीं तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। ओके उसके बाद रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस हो रहा है, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, लाइक जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, ये बेसिकली कोशिश करते रहते हैं कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को लॉस से बचाया जाए, है ना। और जैसे आप देखते हैं कि क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर्स ओपन कर दिए जाते हैं, या फिर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग सेंटर्स खोले जाते हैं, और अभी आप देखिए चीता का रिहेबिलिटेशन किया गया है इंडिया में, इट इज वन ऑफ द एफर्ट्स। अब देखते हैं कि आगे के समय में वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। उसके बाद देखिए डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो पटना में खोला गया है, तो ये सब एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जो यहाँ पर तो नहीं मौजूद है लेकिन हमने एडिशनली दिया है,
so that you can get benefit, you can have a multidimensional answer writing approach. उसके बाद ग्लोबल इनिशिएटिव में लिखेंगे लाइक वेरियस एग्रीमेंट्स है, कन्वेंशन है लाइक सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके बाद साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ विल्ड फ्लोरा एंड फौना दैट टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिंग द इलीगल ट्रेड्स ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज, फिर यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर एज ए प्रोग्राम है, फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है. ओके और भी बहुत सारे हैं, एक दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. जैसे IUCN का रेड लिस्ट होता है जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं बहुत सारे स्पीसीज को बेस्ड ऑन द थ्रेटेंड, लाइक इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट हो गया. तो उससे एक आइडिया भी निकल जाता है कि हाँ भाई ग्लोबल लेवल पर क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही है स्पीसीज की. अगर पॉपुलेशन कम हो रहा है तो भाई और ज़्यादा प्रोटेक्शन दो. उसके बाद आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल वन होता है जो काफ़ी ज़्यादा टाइटर रेगुलेशन रखता है इन प्रोटेक्टेड स्पीसीज के ऊपर. ओके तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो कंजर्वेशन एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन ये तो होना ही चाहिए, सस्टेनेबल लैंड एंड रिसोर्स यूज, उसके बाद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, उसके बाद इंटीग्रेटेड पॉलिसी एंड हेलिस्टिक अप्रोच जहाँ पर डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों बैलेंस में हो, ना कि डेवलपमेंट एक्सट्रीम लेवल पर चल जाए इन्वायरमेंट को मिनिमाइज कर दो. लैंड यूज प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एग्रोफॉरेस्ट्री को हम प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है, लाइक कुछ नेचुरल हैबिटेट्स हैं उसको अनडिस्टर्ब रखा जा सकता है. इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटी, इंडिजीनियस कम्युनिटी जो अभी भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर रिलाई करते हैं, फॉरेस्ट हैबिटेट में ही रहते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उनको हैबिटेट राइट्स इंश्योर करनी चाहिए, सो दैट आवर वन हेल्थ कंसेप्ट विल बी गेटिंग सक्सेसफुल. क्या होता है वन हेल्थ कंसेप्ट, वैसे आप हमें बताइए, ये भी प्रधानमंत्री ने ही बोला था. यहाँ पर जो वन हेल्थ होता है इसमें क्या है कि भाई जो एनिमल्स हैं यानी कि वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन, इन्वायरमेंट, इन सब का जो हेल्थ है ना वो एक दूसरे से लिंक है, कि भाई अगर हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ह्यूमन हेल्थ भी बना रहेगा, इन्वायरमेंट का भी हेल्थ बना रहेगा. कुछ इस प्रकार का है वन हेल्थ कंसेप्ट. ओके अब कुछ कमिटी और कमीशन का एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो एक्शन लिए गए, जैसे माधव गडगिल कमेटी ने 2010 में बना था दैट टॉक्स अबाउट डिक्लेयरिंग वेस्टर्न घाट एज इको सेंसिटिव जोन. ठीक है, हालांकि माधव गडगिल कमेटी के पूरे रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी चला था, इसलिए आज भी रिकमेंडेशन आता है कि भाई वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन के लिए माधव गडगिल कमेटी के फॉर्मूले को लागू किया जाए पूरी तरीके से. उसके बाद देखिए कस्तूरी रंजन कमेटी 2015, ये भी बेसिकली माधव गडगिल कमेटी के बाद ही आया था ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट और थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स किए गए थे नॉर्म्स को जो माधव गडगिल कमेटी ने सुझाव दिया था. उसके बाद है शैलेश नायक कमेटी 2015 ऑन कोस्टल रेगुलेशन जोन. ठीक है, तो बस इतना आप रेफरेंस दे दीजिएगा काफ़ी है, देर इज नो नीड टू वरी कि भाई इसको डिटेल में जाना है, ये करना है, वो करना है, बस रेफरेंस देना है. अब डायरेक्टली आपको इस कमिटी पर तो क्वेश्चन नहीं आएगा 10 मार्कर या 12 मार्कर का, रेफरेंस दे दिए काम हो गया, बस बात खत्म है ना, मजे की बात. तो यहाँ तक तो हमने क्लियर किया. अब आते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 क्योंकि ये अमेंड हुआ था और मैंने आपको बताया था कि अगले चैप्टर में इस अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे. तो अगर आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाले के प्रोविजन को नहीं जानते हैं, अगर आपने नहीं लेक्चर सुना है तो पीछे जाइए, लेक्चर सुनिए, उसके बाद फॉरवर्ड आइए, क्योंकि तब जाके आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं. और आजकल UPSC का एक ट्रेंड है कि भाई कुछ अमेंडमेंट हुआ तो कंपेयर करके पूछ लेते हैं क्या नए चेंजेज आए हैं, क्या प्लस है, क्या माइनस है, वैसे करके पूछा जाता है, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट. ओके तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है नाम से क्लियर चल रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को अमेंड करता है और ऑब्जेक्टिव क्या था, BD एक्ट 2002 का, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, एज वेल एज यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इन सस्टेनेबल मैनर, प्रमोटिंग रिसर्च एंड ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम्स को ग्लोबल लेवल पर लाना है. तो ये सब कुछ पॉइंट्स. तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं. तो पहला है फास्टर रिसर्च एंड पेटेंट प्रोसेस. भाई कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस इंडिया में लेट से उस पर रिसर्च चला, कोई ट्री है उसमें से कुछ केमिकल पर रिसर्च चला, पता चला कि वो जो है
कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आ सकता है। अब क्या करेंगे जिन्होंने किया, अब वो पेटेंट तो करवाएंगे, पता चला पेटेंट करवाने में 20 साल लगे तो भाई फिर वो मार्केट में कब आएगा, वो कमर्शलाइज कब होगा। इसलिए फास्टर रिसर्च इन पेटेंट प्रोसेस का प्रोविजन किया गया है ताकि मोर इनोवेशन हो सके। उसके बाद प्रमोटिंग आयुष सिस्टम फॉर मेडिसिन, इसमें क्या है कि जो आयुष रजिस्टर्ड आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है अगर वो कोई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पर रिसर्च कर रहे हैं तब। उसके बाद देखिए डिक्रिमिनलाइजेशन, बहुत सारे माइनर ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। उसके बाद एग्जेंक्शन फॉर कॉडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज, फोकस ऑन कल्टीवेटिंग मेडिसिनल प्लांट्स भाई, इससे क्या होगा कि बर्डन कम होगा। अभी क्या है कि अगर हम आर्टिफिशियली नहीं प्रमोट कर रहे कल्टीवेशन तो क्या है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है ना उसी का यूज करेंगे तो ऐसे में बर्डन बढ़ जाएगा और कल को डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो हम कैसे कैटर कर पाएंगे। तो इसलिए टू इंश्योर बैलेंस मेडिसिनल प्लांट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उनके कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाए और कुछ कुछ रिसेंट इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पे पढ़ते हैं तो आप कोट कर सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट। ओके, उसके बाद देखिए पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है अथॉरिटी, ठीक है। स्टेट के लेवल पर एसबीबी है और नेशनल लेवल पर एनबीए है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है। और इसको मैंने ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाले में डिस्कस किया है। तो एक बात ये हो गई। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है अप्रूवल फॉर आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए अगर कोई फॉरेन एंटिटी है, फॉरेन एंटिटी में मान के चलिए कोई मेडिकल कंपनी है, ठीक है, उन्होंने इंडिया के बायोलॉजिकल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके उस पर रिसर्च किया और पता चला कि भाई कुछ मेडिकल बेनिफिट्स निकल कर आ रहे हैं फॉर सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट, अब उसका वो पेटेंट करवाना चाहता है, आईपीआर लेना चाहता है, तो सबसे पहले तो एनबीए से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन यही अगर कोई इंडियन एंटिटीज है और इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कुछ डिस्कवर किया है, कुछ दवाइयाँ का खोज किया है, उसका पेटेंट करवाना चाहता है तो बस रजिस्ट्रेशन कर दे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एज मिल जाता है इंडियन कंपनी, इंडियन एंटिटीज को एज कम्पेयर टू द फॉरेन एंटिटी। ओके, तो इतना ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी और बेटर क्लैरिटी के साथ बस सुनते चलिए, और किसी भी प्रकार का डाउट हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तैयारी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, यू कैन फ्रीली आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर हमारा ईमेल आईडी भी है तो आप ईमेल आईडी पर भी जाके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर भी हम आपको ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। ओके, अब आते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 ऑफ द सीबीडी। देखिए अभी तो वैसे सीबीडी 16 होने जा रहा है और सीबीडी 16 के आउटकम ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे जो करंट अफेयर्स में कवर होगा। तो अभी थोड़ा सा हमारा करंट अफेयर्स स्लो चल रहा है, लेकिन ये मत मानिए कि हम उसे कवर नहीं करवाएंगे, कुछ इशू के कारण हम उसे कवर नहीं करवा रहे। एक बार ये कवर हो जाएगा फिर करंट अफेयर्स का पार्ट भी हम तेजी से कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि एक बर्डन सा लगता है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आपका स्टैटिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स को हम करवाने वाले, डोंट वरी। तो एक तो बात यह है कि ये सीबीडी क्या है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और अगर आपने इसके बारे में नहीं जाना है तो प्रीवियस लेक्चर में जाइए, वहां पर देखिए, फिर आइए, देन आप सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में समझेंगे। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या हो, जो मेंबर्स है सीबीडी की, वो एक पार्टिकुलर ईयर में बैठते हैं और फिर डिस्कस करते हैं भाई क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं, कैसे टैकल किया जाए बायोडाइवर्सिटी लॉस को, कंजर्वेशन कैसे प्रमोट किया जाए, इससे मुद्दों पर चर्चा होती है, कुछ डिक्लेरेशन कर देते हैं, डायलॉगबाजी होती है, लेकिन समाधान नहीं निकलता है। हर सिचुएशन में यही है, पेरिस क्लाइमेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लैकुनाज है, सबसे बड़ा लैकुनाज होते हैं जो कमिटमेंट हम करते हैं उस कमिटमेंट पर खरा नहीं उतरते, और कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी नहीं है जो हमारे कमिटमेंट पर खरा उतरवा दे, ठीक है। एक ये बात हो गई। तो आप देखिए 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अडॉप्टेड द क्यूनमिंग मॉनिटोरियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022। तो क्या कुछ हाईलाइट है, तो पहली बात तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इसको लाया गया है, और इस फ्रेमवर्क में क्या बोला गया कि भाई जो आपके लैंड एंड सी एरियाज है उसका 30% निकालो और उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करो, एंड साथ के साथ ये भी इंश्योर करो कि केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स उसके यूज को
कम करना है बाई 50% बाई 2030, क्योंकि यहाँ से क्या होता है सीधा रिवर में जाता है, सीधा सी वाटर में जाता है, तो डायरेक्ट मेराइन स्पीसीज को खतरा पहुंचाता है। उसके बाद अन्य जो गोल्स निर्धारित किए गए हैं, एक तो ये है कि हॉल्टिंग द ह्यूमन इंड्यूस्ड स्पीसीज एक्सटिंक्शन, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, क्लोजिंग द बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप। बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप वैसे क्या होता है, ये अच्छा कीवर्ड है, आप यूज कर सकते हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप जो है काफ़ी ज़्यादा है। ये गैप ये है कि बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए लेट्स से कि मुझे 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और एक्चुअली में आ रहा है 2 करोड़, तो गैप हो गया 8 करोड़ का, यही है आपका बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप। और कितना गैप है आप देखिए, $700 बिलियन पर ईयर, तो भाई $700 बिलियन है, उसको रुपी में कन्वर्ट करके देखिए तो पता चलेगा कितना ज़्यादा है, इसलिए तो दिक्कत है आपकी। अब आप सोचेंगे कि भाई कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो थोड़ा सा आप एक बार पाउज करके सोचिए कि ये जो फाइनेंस लेट से आती है वो कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, ताकि हम हमारा जो कंसर्न है उसका एड्रेस किया जा सके। उसके बाद देखिए बायोडाइवर्सिटी लॉस को एड्रेस करने की बात हुई है, लाइक जो भी इश्यूज हैं दैट डिस्ट्रॉय द बायोडाइवर्सिटी उस पर लगाम लाना है, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब पर नकल कशनी है, कोशिश करना है कि इन सब को बढ़ने से रोका जाए, एंड टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज, भाई पैसे की हर जगह जरूरत होती है अगर आपको कोई एक्ट को इनिशिएटिव करना है तो, और मोबिलाइज कैसे हो पता नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिजीनियस पीपल इन लोकल कम्युनिटी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आप देखेंगे कि जो आपकी इंडिजीनियस कम्युनिटीज होते हैं, इंडिजीनियस मतलब वो हो गए कि जो फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं और उनकी लाइवलीहुड भी फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है और वो प्रोटेक्ट भी करते हैं एज ए सेक्रेड ग्रुप्स, पूजा पाठ के लिए भी, कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए। तो पूरे वर्ल्ड ओवर में बहुत सारे इंडिजीनियस ट्राइबल्स हैं, कम्युनिटीज हैं, तो देयर रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो भाई इनके साथ मिलकर, इनके पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है तो उनको गेन कर कर इनको भी शेयर दो और ग्लोबल वेलफेयर के लिए भी काम हो जाएगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन लोकल कम्युनिटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉप 15 ने इसे माना है, ठीक है। तो एक्टिव इंगेजमेंट किया जाए इनका, इनको भी बेनिफिट दिए जाए बायोलॉजिकल रिसोर्सेस जो आते हैं, ताकि ये भी अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को शेयर करने में आगंतुक रहे। उसके बाद फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसमें ये होता है कि भाई कोई एरिया है, ठीक है, वहाँ पर कोई इंडिजिनियस कम्युनिटी रहते हैं और लेट्स से इनको पता है कि भाई अगर एक बीमारी ये है और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या कोशिश किए जाते हैं, तो कोई कंपनी आई बोली कि भाई आप हमें बताइए कि ये बीमारी है कैसे ठीक किया जाए, तो फिर ये कुछ आइडियाज देंगे कि भाई इस पेड़ से ये केमिकल निकालो, इसका दवाई बनाओ और फिर दो, पेशेंट को ठीक हो जाएगा। तो इस कम्युनिटी ने इस कंपनी को इन्फॉर्मेशन दिया, अगर नहीं देता तो फिर हो सकता था कि इसको रिसर्च करना पड़ता, 5 साल 10 साल 20 साल लगते, लेकिन वो हो गया आपका 1 ही साल, हो सकता है 6 महीने में। तो भाई जिम्मेदारी तो बनती है ना कंपनी की कि इन्हें भी पैसा दिया जाए, इन्हें भी इनका शेयर दिया जाए, तो यही होता है आपका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड भी इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी, जैसे आप देखिए to finance the implementation of Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. क्या focus area indigenous communities पर फिर से focus किया गया है कि भाई जो भी funds है इसका 20% share जो है वो indigenous led activities initiatives को support करेंगे for the biodiversity conservation. उसके बाद इस fund से a small island developing state and least developed countries को support किया जाएगा, इनको ज़्यादा fund दिया जाएगा, क्योंकि एक तो इन पर खतरा काफ़ी ज़्यादा है, a small island developing country डेवलपिंग है पहला चीज, दूसरी बात स्मॉल आइलैंड है भाई, लेट से सुनामी आ गया, पता चला सी लेवल राइज हो रहा है, तो खतरा तो इन पर ज़्यादा है ना, तो ये ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए पैसा चाहिए, डेवलप कंट्रीज के बाद तो चलो हो गया मैनेज कर लेगा, लेकिन व्हाट अबाउट द डेवलपिंग एंड द लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, उसका तो कुछ करना पड़ेगा, फाइनेंसिस कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। और एक एग्जांपल आप और यूज कर सकते हैं कि कैसे इंडिजीनियस पीपल इन लोकल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, जैसे आप देखिए
इंडिया में जो हिमालयन कम्युनिटी, जो हिमालय रीजन में जो लोग रहते हैं, तो वो बेसिकली टेरेस एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो उनको पता है कि भाई टेरेस फार्मिंग से सॉइल इरोजन कम होगा और वाटर कंजर्वेशन होगा, तो इसलिए वो करते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नया कंसेप्ट है इंडिजीनियस पीपल एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और ये अच्छा खासा मजेदार टॉपिक है। यहाँ पर अभी हम इंडिजीनियस पॉपुलेशन के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो और ये डायरेक्ट टॉपिक भी आ गया। तो कैसे इंडिजीनियस पीपल फॉरेस्ट कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पर उसे ही हम देखने वाले हैं। और ये देखिए, सबसे पहली बात तो यूएन ने भी माना है कि जो इंडिजीनियस पीपल है ये इनहेरिटर्स है, प्रैक्टिशनर्स है यूनिक कल्चर्स का एंड वेज ऑफ रिलेटिंग टू द पीपल एंड द एनवायरमेंट। तो इनका जो इन्वायरमेंट के साथ रिश्ता है, प्यार है, मोहब्बत, वो तो काफी ज्यादा गहरा होता है, और ये इनकी लाइवलीहुड इन्हीं पर डिपेंडेंट होती है, तो ये बैलेंस में चलते हैं। अभी क्या है, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो आपको उतना ज्यादा ट्रीज नहीं मिलेगा, ठीक है, और अगर कुछ रिसोर्सेस लेनी है तो पता चला आप शॉपिंग मॉल जा रहे खरीदने के लिए, कुछ परचेज करना है तो रोड पर जो दुकानें हैं वहां से खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन इन पीपल का क्या है, इंडिजिनियस पीपल का, इनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, फॉरेस्ट से ही प्राप्त करते हैं, तो फॉरेस्ट को कंजर्व करना इनकी जिम्मेदारी हो जाती है, अदरवाइज ये फिर इनके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएंगे। ओके, तो ये है। एंड सबसे बड़ी बात, ये एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, ये यूज करते हैं, सस्टेन वाइज यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। और हम लोग एक्सप्लॉइट ज्यादा करते हैं, कंजर्व कम करते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। इनके भी इश्यूज हैं, इश्यूज ये हैं। वैसे तो पहला इश्यूज कोई खास नहीं है, यहाँ पर ये बोला गया कि भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है तो इनको दिक्कतें आती हैं, इनको नेचुरल हैबिटेट से बाहर कर दिया जाता है, तो ऐसा तो कोई क्लियर बात नहीं है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है तो ऐसा नहीं कि इनको उनके हैबिटेट से बाहर कर दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पर साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस की बात करी जाती है कि ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहेंगे या फिर इंडिजीनियस कम्युनिटीज भी रहेंगे, उसके साथ साथ कंजर्वेशन एफर्ट होगा, फंडिंग दी जाती है, तो फंडिंग से क्या होगा, इनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, और जो भी प्रोटेक्शन होता है ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत, ये इनके कोऑर्डिनेशन के साथ ही होता है, ऐसा नहीं कि इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इनका भी कोऑर्डिनेशन रहता है। लेकिन दिक्कत ये है कि लैक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट डिस्कस किया था, आप थोड़ा सा पीछे जाके सुनेंगे उसको, हमने एलेबोरेट तरीके से डिस्कस किया है उसे, तो वो इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं होता है, जिसके कारण जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैं, माइनर फॉरेस्ट राइट को एक्सप्लोर करने का अधिकार, वो सब नहीं मिल पाती है, एंड दैट अफेक्ट्स द कम्युनिटीज। उसके बाद डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, क्या होता है कि रोड बनानी है, रेलवे ट्रैक बिछानी है, उसके साथ देखेंगे फॉरेस्ट रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना है, तो डेवलपमेंट के नाम पर क्या होता है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उनके रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, उनका जो नेचुरल एरिया है वो कम हो जाता है। जैसे आप देखेंगे पहले बड़े बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज होते थे, धीरे धीरे वो श्रिंक हो रहा है ना, और इसके कारण फिर क्या होगा, ह्यूमन वाइल्डलाइफ कंफ्लिक्ट होगा। ओके, तो ये दिक्कतें हैं। जैसे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भी एग्जांपल दे सकते हैं, भाई जो तारे बिछाई जाती है उनसे टकरा के इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अभी एक कंसर्न आया था कि जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, वहां पर जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है, तो उसकी एरिया, कुछ एरिया वहां पर प्रभावित होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज आप जरूर लिखे। उसके बाद देखिए इलीगल इनक्रोचमेंट ऑफ लैंड, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार जो रिजर्व फॉरेस्ट वाला एरिया होता है वहां पर इलीगली इनक्रोच कर दिया जाता है पीपल्स के द्वारा, लोग आ जाते हैं, रहने लग जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन सही होता नहीं है, तो फिर उसे कोई रोकथाम करने वाली बात होती नहीं है, तो फिर वो फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करते हैं विदाउट परमिशन, एंड दैट कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ओके, उसके बाद देखिए रोल ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्या रोल हो सकता है, भाई रोल ही रोल है इनका। पहली बात तो ये कि सामंजस्य के साथ रहते हैं, इन कोऑर्डिनेशन विद द नेचर, पहली बात तो यही है, तो इसलिए ये कंजर्व करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को, नेचुरल फ्लोरा को। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज होते हैं ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं
नेचर के द्वारा दी गई चीजें हैं, ट्रीज है, फॉरेस्ट है, तो इनको सेकर्ड मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो कोई कोई ट्राइबल कम्युनिटीज में, इंडिजिनियस कम्युनिटीज में आप देखेंगे कि इनकी पूजा पाठ भी करते हैं। आज भी हमारे देश में जो पीपल का वृक्ष है उनका पूजा किया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं उसी कल्चर से निकल कर आया है। तो देखिए कि किस प्रकार से जो हमारा कल्चरल फैक्टर्स है वो भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे फोर फादर्स थे उनका दूरगामी सोच था कि भविष्य में कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जा सके। ओके, और ये हो गया। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन में आप लिख सकते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पर टूरिज्म, कनेक्टिविटी, डिफेंस सबको प्रमोट किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ क्या हो ना, फॉरेस्ट एरिया को भी काटा जा रहा है। तो ये तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे ख्याल से गया है। और एक है जैसे महाराष्ट्र में जो मेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ये इस सेक्शन में हम देख रहे हैं रोल ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स। तो ट्रेडिशनल नॉलेज जिनके पास होती है, मैंने आपको बता ही दिया है, तो इंडिजिनियस पीपल एंड बायोडाइवर्सिटी कम्प्लीमेंट ईच अदर, कहने का मतलब यही हुआ कि कुछ बीमारियां होती हैं ट्राइबल कम्युनिटी या इंडिजिनियस कम्युनिटीज में, तो ये फिर नेचुरल मेथड से ही ट्रीट करते हैं, हील करते हैं, क्योंकि इनको पता रहता है कि कौन से पेड़ से क्या निकाला जा सकता है फॉर द ट्रीटमेंट। ओके, तो ऐसे इनके ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द पॉपुलेशन। ओके, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ सेकर्ड ग्रुप, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक का एग्जाम्पल है विल ट्राइब ऑफ एमपी, तो मध्य प्रदेश में जो विल ट्राइब रहते हैं, विच इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये क्या करते हैं कि जो पेड़ है ना, ये उनको काटते नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका मानना होता है कि पेड़ों में भगवान वास करते हैं, आत्माएं वास करती है ये। उसके बाद सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी में भी इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर केस स्टडी एक अरुणाचल प्रदेश का भी दिया गया है अकार ट्राइब्स के बारे में। तो पहली बात तो यही ध्यान रखें, अकार ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर देखिए जो अकार ट्राइब्स है, ये सर्टेन एनिमल्स को मारते नहीं, और जो यंग एंड प्रेगनेंट एनिमल्स हैं इन द फॉरेस्ट उसको छोड़ दिया जाता है, बख्श दिया जाता है, एंड ऑल्सो सर्टेन यंग प्लांट सैपलिंग्स आर लेफ्ट अलोन, ताकि ये ग्रो कर सके इंडिपेंडेंट तरीके से। ओके, तो ऐसे में क्या होता है कि इन्वायरमेंट और इन कम्युनिटीज का कोलेबोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इन्वायरमेंट भी फ्लरिश करता है और ये कम्युनिटीज भी उस इन्वायरमेंट से लाभ उठाते हैं, जो भी रिसोर्सेस नेचर उन्हें देता है तो ये वहाँ से लेते हैं, बाकी बदले भी नेचर का कंजर्वेशन भी करते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, एक तो ये है कि भाई जो राइट्स है इंडिजिनियस पीपल की उसको रिकॉग्नाइज करो। इसमें एक बात ये लिख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिनको भी राइट्स नहीं मिले इंश्योर किया जाए कि भाई जल्द से जल्द उनको राइट्स मिले। उसके बाद इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, वही बात होगी। तो ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द ट्राइबल पीपल फॉर कंजर्वेशन, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002, इट मेंशन द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द डिटेल। तो ये बातें हो गई। फिर कंक्लूजन में वही है कि भाई फॉरेस्ट की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका मेंटेनेंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल एंड द एनवायरमेंट। तो साइक्लिकल है, एक को नुकसान पहुंचाएंगे दूसरा अपने आप नुकसान में आ जाएगा। तो पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाइए एंड वेराइटी जो मेजर्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से अच्छा होने चाहिए। और बदले में अगर आपको कोई नया सजेशन दिमाग में आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भाई क्या कुछ किया जा सकता है। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मैगजीन्स पढ़े होंगे। तो इतना कवर हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लगभग लगभग 1 घंटा होने को है और हमने ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और फिर यहाँ तक हम करने वाले हैं, लगभग 20 मिनट का और टॉपिक है। तो आप शांति से धैर्य से सुनिए चीज़ें को, एंड चीज़ें अच्छी लग रही है तो फिर रुकिए नहीं, शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, और ये भी इंश्योर करिए कि अगर आप किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के ज्वाइन बटन को क्लिक करें और ज्वाइन करें उसे, सो दैट वी कैन ऑल्सो गेट सम हेल्प।
तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, इजी टॉपिक है। फॉरेस्ट के कंजर्वेशन को ही हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं, एक तो ये है। और कैसे कैसे कंजर्व किया जा सकता है, क्या मेथड्स हैं, क्या नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों करें, सवाल यही आता है। तो पहले तो मैं इसलिए करें क्योंकि फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट या फिर इकोसिस्टम, ये सब लिंक है ना। आज आप ऑक्सीजन जो ले रहे हैं कहाँ से आ रही है, फॉरेस्ट से आ रही है, ट्रीज से आ रही है। अगर ये नहीं रहेंगे, यू विल बी थ्रेटन, यू हैव टू परचेज द आर्टिफिशियल प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द बोतल सिलेंडर्स। ओके, तो भाई एक तरफ मोबाइल रहेगा, दूसरी तरफ सिलेंडर रहेगा बैक सीट पर। तो ये ना हो, इसके लिए ही काफ़ी ज़्यादा एफोरेस्टेशन इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वैसे, और कुछ रिपोर्ट्स भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये समझिए कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन इसी में रहता है, तभी हम समझ पाएंगे कि फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है तो क्या सिग्नल देता है। तो फॉरेस्ट कवर ये हुआ कि जो आपका ट्रीज है, ठीक है, मान के चलिए एक पार्टिकुलर यूनिट ऑफ लैंड पे ट्री हमने ग्रो किया, तो ट्री के कैनोपीज होते हैं, ये जो है ना, ये कैनोपीज है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कैनोपी रहेगा उतना ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी होगी। ओके, तो मान के चलिए कि 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर फॉरेस्ट को उगाया गया है, लेकिन ये जो कैनोपी होते हैं ये तो एक्सपेंड करते हैं, तो ये 1 हेक्टेयर से बियॉन्ड जाएंगे, तो 1 हेक्टेयर से बियॉन्ड कह लेट से 1.5 हेक्टेयर तक चला गया। तो इसको अगर हम परसेंटेज पे निकालते तो कितना जाएगा आपका, 150%, ठीक है। तो ये बोलता है कि भाई अगर ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% है, इरिस्पेक्टिव कि वो प्राइवेट ऑन करे या पब्लिक ऑन करे या लीगल स्टेटस क्या है, तो फिर वो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आएगा। और जो हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट निकलता है हर 2 साल में, वो कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करता है। ओके, और कुछ फैक्ट्स आप देखिए, जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, यहाँ पर जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज इक्वल्स टू 24.62%, और ये याद रखना है, यू हैव टू मेंशन इट। और केस स्टडी ये है कि डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स आर अमंग द लीडिंग कॉज ऑफ एनुअल फ्लड्स इन हैवीली कार्बोनाइज्ड एरिया लाइक केरला, मुंबई, चेन्नई। इस बार भी आप देख रहे हैं केरला में कितनी ज़्यादा तबाही आई है, लैंडस्लाइड्स हुए थे। और अगर डिफॉरेस्टेशन तीव्र की जाएगी तो लैंडस्लाइड कॉमन होने वाला है, क्योंकि लैंडस्लाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फॉरेस्ट होते हैं ना, जो गाछ वृक्ष होते हैं, वो लैंड के सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, तो लैंडस्लाइड के चांसेस कम होते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र है, स्लोपी एरिया है, वहां पर तो ऑलरेडी खतरा ज्यादा है लैंडस्लाइड होने का। और वहां पर फिर हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अर्बनाइजेशन के कारण ट्री को उखाड़ रहे हैं, तो फिर इट विल बी वेरी वेरी इम्पॉसिबल टू कंजर्व द सॉयल, टू प्रोटेक्ट द लैंडस्लाइड, टू प्रिवेंट द लैंडस्लाइड, नॉट टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ओके, ये हो गया। तो बेनिफिट्स क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, भाई फॉरेस्ट रीस्टोरेशन इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजी। तभी तो आप देखेंगे कि हमारा जो पंचशील डॉक्यूमेंट है, जो COP26 में हमने दिया था UNFCCC के मीटिंग में, वहाँ पर एफॉरेस्टेशन की बात की जा रही है। उसके बाद देखिए इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत सारे मिलते हैं हमें, लाइक सॉयल इरोजन से हमें बचाता है, वाटर प्योरिफिकेशन, ग्राउंड वाटर प्योरिफिकेशन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात प्योरिफाइंग द एयर, जो आप ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड फॉर ह्यूमंस, फॉरेस्ट आर होम टू 80% ऑफ द वर्ल्ड टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड। भाई कोई टिम्बर में एंगेज है, कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में एंगेज है, खासकर ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। तो ऐसे में लाइवलीहुड भी चल रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम फॉरेस्ट से ही लेकर आते हैं, जैसे फर्नीचर सब हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम यूज ना करें, सस्टेनेबल यूज, भाई उतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करते। अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम उस पेड़ पौधे लगाएं। ओके, उसके बाद कार्बन स्टोर हाउसेस, बहुत ये जो फॉरेस्ट है वो कार्बन का ही तो सेंटर है, जो गाछ है, जब ये गलता है, सड़ता है, तो कोयला बनता है, तो कोयला क्या है, कार्बन है। ओके, तो वाटर प्योरिफिकेशन लाइक फॉरेस्ट एक्ट एज ए लिविंग फिल्टर फॉर रिवर्स स्ट्रीम्स एंड प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स एंड एब्जॉर्बिंग सेडिमेंट्स एंड प्रिवेंट दिस वाली रोचर, या बच्चों से अलग से देख सकते हैं। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, लाइक इट गिव जॉब्स फॉर ओवर 13 मिलियन पीपल ग्लोबली एंड सपोर्ट मोर देन 1 बिलियन रूरल पीपल फॉर फूड एंड लाइवलीहुड। तो कीवर्ड कुछ आप देख सकते हैं, लाइक लिविंग फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, अनमैच बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड,
स्टोर हाउस ऑफ द कार्बन, रिड्यूस द एम्बियंट टेम्परेचर, प्योरीफाइज द एयर, ये सब कुछ कीवर्ड है. हैबिटेट लॉस, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, लैंड एंड लैंड यूज चेंज, ये लैंड यूज चेंज अच्छे से हम ध्यान रखें. शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, फॉरेस्ट राइट एंड, ये सब कीवर्ड है. यू हैव टू मेंशन कहीं कहीं पर, कहीं से उठा के कहीं कहीं पर चिपका देना है. ओके ये हो गया. उसके बाद देखिए थ्रेट टू फॉरेस्ट क्या है. तो एक तो नेचुरल थ्रेट है, एक एंथ्रोपोजेनिक. मैंने आपको बताया ये जब भी इस प्रकार का है तो दो भाग में बांटेंगे आप. एक तो नेचुरल डालेंगे, एक एंथ्रोपोजेनिक डालेंगे. नेचुरल में क्या हो गया भाई, आग लग गई बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वेसिव स्पीसीज अटैक कर रहे हैं नेटिव स्पीसीज को, फिर फ्लड्स आ रहा है, लैंडस्लाइड आ रहा है, प्लांट डिजीज आ रहा है, इंसेक्ट पेस्ट. ओके ये थ्रेट है. एंथ्रोपोजेनिक में लैंड यूज एंड रैपिड एक्सप्लॉयटेशन बाय एग्रीकल्चर के लिए, एरिया बहुत ही तेजी से एक्सपेंड किया जा रहा है अर्बनाइजेशन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, पीट रहे हैं, है ना. उसके बाद पॉल्यूशन देख लीजिए. उसके बाद शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस, आज भी बहुत सारे एरिया में शिफ्टिंग कल्टिवेशन विद्यमान है. और शिफ्टिंग कल्टिवेशन से क्या होता है कि एक तो ये है कि भाई आज मैंने इस एरिया पर कल्टिवेट किया, कल को ये एरिया खाली कर देंगे, जला देंगे, दूसरे जगह जाएंगे तो दूसरी जगह जो ट्रीज व्रीज होंगे उसको भी काट के फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर करेंगे. यही है आपका शिफ्टिंग कल्टिवेशन. उसके बाद डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं. फिर जो आपका महाराष्ट्र में पुणे, महाराष्ट्र में मेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. फिर आप देखिए डैम कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं. ओके फिर पॉपुलेशन ओवरलोड भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉपुलेशन ओवरलोड से होता क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होने लग जाती है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो भाई नेचर पर बर्डन बढ़ जाता है. ओके जैसे एक पेरेंट है, उसके अगर 10-12 बच्चे हैं तो भाई ना तो वो खुद सही से जी पाएंगे, ना ही वो ईच एंड एवरी चिल्ड्रेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे अगर उनके पास रिसोर्सेज की कमी, पैसे की कमी है. फिर आप देखिए फिर अर्बनाइजेशन एक इशू है. तो देखिए क्या दिक्कत आती है, पॉपुलेशन बढ़ा, डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, भाई खाना है, तेल है, सरसों है, ये सब की डिमांड बढ़ी. तो डिमांड बढ़ा तो फिर क्या है कि भाई एरिया अंडर एग्रीकल्चर को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है फिर क्या है कि भाई काटना पड़ेगा फॉरेस्ट को, फिर फॉरेस्ट लैंड खत्म, फॉरेस्ट लैंड खत्म तो फिर क्या हुआ, फिर वही पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो बढ़ने चले जाएंगे. और फिर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर मैंडेट क्या है. तो एक तो ये है कि भाई 7th शेड्यूल में 42nd अमेंडमेंट जो किया गया था 1976 में, इसमें फॉरेस्ट जो पहले स्टेट्स लिस्ट में था उसको कंकरेंट डाला गया. क्यों, क्योंकि भाई केंद्र भी नियम कानून बना सके फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट. उसके बाद तो आपको ये भी पता होगा कि DPSP हो या फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटी जो वहाँ पर भी नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन की बात करता है. उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है, दैट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबल मैनेज फॉरेस्ट, कंबैट डेजर्टिफिकेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कंसिक्वेंसेज क्या है लॉस ऑफ फॉरेस्ट के बाद, ये तो आप खुद से लिख सकते हैं. पहली बात तो ये वाटर साइकिल पर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करता है, इतने सारे फॉरेस्ट जो इस धरती पर विद्यमान है, तो वाटर को इन्होंने ग्राउंड से अब्जॉर्ब किया, फिर जो आपका जाइलम प्रोसेस होता है, जाइलम प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है वाटर जो है खींचा जाता है प्लांट्स ट्रीज के द्वारा टू द अपर पार्ट्स. और फिर ज़्यादा एक्सेस पानी हो गया था, फिर उसको ट्रांसपिरेशन के माध्यम से लॉस भी करता है टू द एटमोसफेयर, फिर क्लाउड बनता है, फिर रेनफॉल होता है, तो वाटर साइकिल ऐसे चलती है. लेकिन गाछ को ही खत्म कर दे तो ये ट्रांसपिरेशन वाली प्रक्रिया जो है कम हो जाएगी, एंड मॉइस्चर जो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में वो कम हो जाएंगे, और रेनफॉल भी डिक्रीज हो सकती है. फिर इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी, लाइक इट कैन लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ 2000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एज पर द डाटा ऑफ द रिपोर्ट. उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट है. उसके बाद इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ है, निपा वायरस आप देखिए स्प्रेड फ्रॉम द फ्रूट बैट्स टू पिग्स एंड इवेंचुअली टू ह्यूमंस. तो भाई अगर इनके नेचुरल हैबिटेट हमने हटा दिए तो बैट्स कहाँ जाएगा उड़ के, ह्यूमन हैबिटेट में आएगा. तो और बैट्स में पता है बहुत सारे वायरसेस रहते हैं, तो कौन सा वायरस किसको क्या कर दे क्या पता. अदर इम्पैक्ट में देखिए लॉस ऑफ हैबिटेट, टेम्परेचर वेरिएशन, इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस, सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग, लॉस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. ओके तो ये बात है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ये होता है कि भाई कोई फॉरेस्ट एरिया है जो अभी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, मतलब फ्लरिश है,
तो अगर हम उसका इकोनॉमिक वैल्यू निकाले, पता चला 100 करोड़, ठीक है। तो ये होता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। कल को इसको हम कोई प्रोजेक्ट के लिए क्लियर कर दे तो भाई 100 करोड़ का कुछ ग्रीन इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए, ये होता है। बाकी एफर्ट्स क्या चल रहे हैं, तो इजी है, मैंने इस पर डिस्कशन भी किया है। तो नेशनल लेवल पर देखिए, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 है, ये साफ साफ बोलता है कि भाई जो हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 1/3 जो है वो आपका फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। लाइक 33% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। और अभी हमारा कितना है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को मिला दें तो 24.62% है, तो हमें इससे 33% लेकर जाना है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि भाई टारगेट से हम बहुत पीछे हैं और बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, दैट टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री इन द फॉरेस्ट रीजन। फिर फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 है कि भाई इन्वायरमेंटल केसेस अगर आते हैं, कोई इन्वायरमेंट का नुकसान पहुँचाता है, तो पता चला कि भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तो टाइम ही नहीं है, केसेस लंबे चलते रहते हैं, तो इन्वायरमेंट का केस इनके द्वारा सुना जाए। हालांकि इनका अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, तो ये भी एक चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। बाकी कंपा एक्ट है, कंपा सेक्रेटरी फॉरेस्टेशन फंड एक्ट 9 2006। इसमें क्या होता है कि भाई अगर हम कोई फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं फॉर अनदर पर्पज, फॉर प्रोजेक्ट, फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो उस फॉरेस्ट का जो भी वैल्यू है, ठीक है, उस इकोलॉजिकल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, तो उसके लिए जो भी अमाउंट है वो दिया जाए, पे किया जाए, ताकि उसका इस्तेमाल हम दूसरे जगह एफॉरेस्टेशन के लिए कर सकते हैं। ओके, बाकी इंटरनेशनल एफर्ट क्या है, एक तो आपका UNFCCC है, रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट एजेंडा 21 कि भाई 21वीं शताब्दी में हम क्या क्या गोल हासिल करने वाले, एक्शन प्लान, लेकिन नॉन बाइंडिंग है। फिर एक ये भी आप देख सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर जो भी प्रोग्राम्स है वो नॉन बाइंडिंग होते हैं या फिर इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव नहीं हो पाती है। उसके बाद देखिए, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स है, ये भी यहीं से निकला था, UNFCCC से। इट मेक्स मेनी रिकमेंडेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री। फिर देखिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम चलते हैं, बोन चैलेंज है, बोन चैलेंज में एक सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है कि भाई जो आपका डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर किया जाए, और टारगेट क्या है 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड इसको रिस्टोर किया जाए। सो व्हाट द वे फॉरवर्ड, प्रोटेक्टेड एरिया बढ़ाओ, ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग है उसको भी प्रोटेक्ट करो, उसको कंप्रोमाइज मत होने दो। उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ पर जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर वो फॉरेस्टेशन करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर के साथ हम फॉरेस्ट भी उगा रहे हैं, तो दोनों बेनिफिट हो जाएगा। एक तो फार्मर जो है अपने टिम्बर प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं, और दूसरा ये है कि भाई एफॉरेस्टेशन भी होगा, फिर रिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्टेशन हो गया। तो इतना हमने कवर किया। अब आते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है कि आप यूज कर सकते हैं इसको आंसर राइटिंग में, और ये प्रिलिम्स के भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमारे देश में है, इट इज़ इक्वल टू 24.62% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ओके, और अगर हम तोड़ कर देखें तो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 21.71, तो ट्री कवर देखें तो 2.91, दोनों को जोड़ेंगे तो 24.62% आएगा। ओके, और एक और खास बात ये है कि ये तो चलो ठीक है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, लेकिन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट भी होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट मतलब क्या, एक बड़ा सा एरिया हो और वहाँ पर ट्रीज भी, ट्रीज लगे हुए हो, वो फॉरेस्ट होता है। लेकिन ये भी तो होते हैं कि भाई कहीं कहीं पर आप देखेंगे सिंगल ट्रीज भी लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं हम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। और ये अच्छा खासा शेयर है, आप देख सकते हैं 36.18% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया वो आपका ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है, और सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में, फॉलोड बाय उड़ीसा, कर्नाटक। ओके, और टॉप 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ बढ़ा है, तो आंध्र प्रदेश में इट इज़ वेरी गुड न्यूज़, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटका। तो क्या कुछ एफर्ट किए जा रहे हैं ये देखा जाए, और उसको दूसरे राज्य में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसी को कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, उसके बाद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें तो हमारे देश में मध्य प्रदेश के बाद, देन अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो आप देखिए हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, मिजोरम में 84.53%, यानी कि मिजोरम का जो एरिया है
84.53% पर फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, उसके बाद देखिए टोटल फॉरेस्ट कवर इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इज 37.53% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं कि भाई हमारा जो ट्राइबल एरिया जो देखिए नेचर फ्रेंडली कितना है, कि भाई एवरेज नेशनल गोल क्या है 33% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, जबकि हम ट्राइबल एरिया ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को काउंट करें तो ये तो ऑलरेडी उससे बियॉन्ड है 37.53%। तो दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग, दैट इज ऑल्सो ए केस स्टडी, यू कैन कोट इन द आंसर राइट। ओके, उसके बाद देखिए फॉरेस्ट प्रोन टू फायर, द एनालिसिस रिवील्स दैट 22.27% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू फॉरेस्ट फायर, तो हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं क्या कुछ ऐसा कुछ इनिशिएटिव हो। ये था टोटल आपका लेक्चर ऑन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विदाउट एनी डाउट, एंड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है समस्या है डाउट है मैं आपको बार बार कहता हूँ, ठीक है ना, आप सुनते कमेंट सेक्शन, और बस इतना ही, ज़्यादा लोड देंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी, तो ज़्यादा लोड लेने का नहीं, चिंता करने का नहीं, चीज़ें खत्म हो गई क्योंकि ऑलरेडी हमने मेजोरिटी मार्क जो है कंप्लीट कर दिया, टारगेट क्रॉस कर दिया है, तो अब लगभग लगभग एक दो टॉपिक होंगे या फिर 30 पेज एट लंच कहाँ पर है देखिए 94 पेजेज, तो टोटल 120 पेजेज है, बाकी 4-5 पेज तो ऐसे ही है, तो 94 10 104, फिर 114, फिर 154, तो 30 पेजेज है, तो वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो डोंट वरी। उसके बाद हम देखेंगे विजन आईएएस का करंट अफेयर्स मैगजीन, सो जरूर आप अपना रिकमेंडेशन दें कैसा लग रहा है हमारा इनिशिएटिव, और आई रिक्वेस्ट यू कि लेक्चर पसंद आ रही है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, पेज झिझक सब्सक्राइब करिए, पेज झिझक शेयर करिए, बिंदास शेयर करिए, और हम इसी प्रकार से आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर हियर एंड कीप सपोर्टिंग, एंड आप हमारे YouTube के मेंबरशिप को भी ले सकते हैं, बहुत लो कॉस्ट है, विल ऑल्सो हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर। थैंक यू वेरी मच।